सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और मेरी आवाज पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई इस वॉइस क्लिप में, वीडियो क्लिप में, इसलिए मैं बैकग्राउंड वॉइस में कह रहा हूँ आपको गुड मॉर्निंग गाइस। फिलहाल मम्मी मेरा ब्रेकफास्ट बना रही है, तब तक मैं आपको बैल्कनी का लुक दिखाता हूँ। यार मेरा फोन गिर जाता, अब ये पीछे से धक्का दे रही है ऐसे। मैं बैलकनी में खड़ा हुआ डर के मारे, अगर मेरा फोन नीचे जाता तो काम हो जाना था आज मेरा। हाँ बन गया, चाय दे दो। ये क्या है? सब्जी की रोटी बना। अरे ये क्या है? सिंबगुल्ला। ये गाइस, तो फिलहाल अभी मैं ऊपर आया हूँ टेरिस पे गुरुजी के कपड़े लेने, यहाँ पे सूख रहे। अब गर्मी वाला फील पूरा आने लगा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि गर्मी आने वाली है। होली का टाइम जो होता है ना मिड, वही इसी गुरुजी के कपड़े सूख रहे हैं। कितनी लंबी धोती है यार ये, लास्ट तक है। फिलहाल कपड़े शायद धोइए। मम्मी दो कपड़े हैं बस। ठीक है ठीक है ठीक है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश माता जानकी पार्वती, महादेव चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। अच्छा मैं गर्म कर रहा हूँ, मैं गर्म, आप पूजा करो, कामना को पूरा करो। चल बलिहारी गुरु जी, नमक तेज तो नहीं है सब्जी में? नमक तेज तो नहीं है सब्जी में? सही है सही है। कुल कुल दर्शन पावे मही। गाइस स्कूबी बेड पे सो रही है और ये मैं व्लॉग में दिखा रहा था, तो मम्मी बोली ये सब व्लॉग में मत दिखाओ, तुम्हारे घर पे कोई सोने नहीं आएगा। मैंने कहा ना है फिर, लेकिन वो तो रानी है, वो बेड पे सोएगी, उसका हक बनता है भाई, वो हमारी फैमिली मेंबर है। तो ये बात अगर किसी को बुरी लग रही है मेरे रिलेटिव्स में कि हमारा डॉग बेड पे सोता है, ना आए ना आए मत आना। तो अगर जिसको लगता है कि स्कूबी गंदी है, जो कि नहीं है, वो आपसे ज़्यादा बार में आती है, तो ना आए। अब नहीं भौंकेगी, अभी से पता चल गया कि ये घर के ही हैं, तो बस इसीलिए। स्कूबू गुड गर्ल। बात तो इंसान सबसे ज़्यादा भूखा किस चीज़ का होता है? रोटी का, पानी का, प्यार का? सब चीज़ का होता है, प्यार का भूखा होता है। और जानवर प्यार दे सकता है, जो चीज़ घर वाले नहीं दे सकते वो जानवर दे सकता है, इसलिए मैंने इनको पाला। आप बताओ, गलत बोला मैंने? आप बताओ, आपको घर वाले ज़्यादा सही लगते हैं? ये बहुत सेवा करती है गुरुजी, चार चार कंबल लोड के सोती है ठंडों में। हाँ देखो, रात में ये घर की सेवा करती है, सो के सुबह उठती है, फिर बेड पे सोती है, दोपहर में फिर बेड पे सोती है, खाती है, पीती है, सोती है, ये सेवा ही तो कर रही है। टट्टी अच्छा वो तो मैं बाहर से वॉक पे लेके जाता हूँ गुरुजी, बाहर वॉक पे लेके जाता हूँ। ऊपर से ये हमारे भगवान जी माने जाते हैं। कौन? भैरव बाबा। भैरव बाबा का होते हैं, तो भैरव बाबा, आई लव भैरव बाबा, तो भैरव बाबा के लिए पाला है। पाओ छू लो। अरे ये देखो गुरु जी, एक ये दो तीन सब छू लिए। रणिंगा मम्मी कह रही मैं खिंचाई करता हूँ, आप बताओ मैं खिंचाई कर रहा हूँ गुरु जी? अच्छा आप ये तो मानते हो गुरुजी कि जानवर का प्यार सच्चा होता है? हाथी देखा आपने, हाथी कितना प्यार करने वाला होता है सूंड से। कुत्ते बहुत प्यार करते हैं, चूहे बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, कपड़े काट जाते हैं। चूहे कपड़े प्यार में काटते हैं। ऐसे करके लगा बताओ, ऐसा लग रहा है मैं बाप इस उंगली से करा जाता है। करा जाता है, ऐसे करते हैं।
लो नाती की उम्र के हो गए, अब तक टेका लगा नहीं आ रहा। गुरु जी भी गुरु जी गिनने 1100 है कि नहीं। मैं बस बियर की टीम जानता हूँ, बियर का कैन का टीन। जूते उतार दो, जूते उतार। बियर की टीन तो बहुत महंगी मिलेगी। प्रणाम गुरुजी। उसके तो लगा दो गुरुजी। अरे इस मूवी के तो लगाओ। लाओ कोई बात नहीं। सुंदर सुंदर। आप तभी आप भागते हो, आप उसे टीका नहीं लगा रहे हो। दोस्त बात सुनो, ये ऊपर जो खड़ी है इनको काटना है। इनकी शक्ल देख लो, सुन रहे हो? हाँ, अंगड़ाई है सिले की। मैं कह रहा हूँ ये ऊपर जो खड़ी है इसको काटना है। इसको चलो बैग उठा ले रहा हूँ, कंधे पे रखिए। गाइस गुरुजी का सामान मैंने ले लिया है, चलते हैं कार में, उन्हें ड्रॉप करते हैं। तो मैं आया था सीपीगंज काम से, तो पहली बार मैंने लाइफ में ऐसी चीज़ देखी, मतलब डोली और बारात, मतलब दूल्हा घोड़ी पे एक दोनों साथ में जा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको पीछे आ रही है बारात। वही जीरो दूल्हा और ये डोली। अरे वाह, दुल्हन दुल्हन कहाँ है? बाहर आओ भाभी, भाभी बाहर आओ। भाभी चली गई। गाइस काम तो मेरा निपट गया है, जो था सीबीगंज के साइड वो तो हो गया है, बट अभी यहाँ पे मैं ट्रैफिक में खड़ा हूँ। यहाँ फाटक बंद है यार, तो गर्मी इतनी तेज़ है और पता नहीं सकता एसी भी काम नहीं कर रही है यार, इतनी तेज़ गर्मी है। गाइस वो जा रही है ट्रेन, ट्रेन निकलने के बाद ही खुलेगा। तो गाइस ये रहा मेरा खाना। मछली का एक्वेरियम साफ करूंगा और पानी कम हो गया तो पानी भरूंगा। कमरा भी बहुत गंदा हो रहा है यार, पोछा वोछा लगवाना पड़ेगा सब में। ये मेरा पुराना घर है यार, भले ही छोटा है लेकिन वो उस बड़े घर से तो पहले यही अच्छा लगेगा मुझे। वो होगा काफ़ी बड़ा लेकिन ये घर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। थिंग्स बैक ब्रिंग बैक मेमोरीज। हाँ ये भी साफ होगा। अभी मैं भैया को लेके आया हूँ सफाई करवाने के लिए, और आप हालत देखो पुराना लगे, देख रहे हो आप, मिट्टी मिट्टी है मतलब हर जगह। ये पुराना घर है मेरा और ये रोड साइड है तो पूरी मिट्टी है, तो भैया सब साफ करेंगे और मुझे साथ पहले झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद सारा पानी। अब तक मैं कोई दिन थोड़ा साफ कर लूँ इसका। फेरा पोछा पूरा लॉबी में मारना है। ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। तो गाइस फाइनली सब सफाई कर दी है, अब चलते हैं भाई वापस। ठीक है गाइस, तो शाम हो रही है और मैं बटलर गया था किसी काम से फोन के, तो वो तो हुआ नहीं, कल होगा। तो अभी मैं आया वापस और कार से जब घर आ रहा हूँ तो पापा का फ़ोन आया कि इसी मतलब बहुत ख़ास है, उनकी कज़न सिस्टर की शादी है तो उसमें जाना है, तो मैं रेडी होऊंगा उसके बाद जाऊंगा। तो फिलहाल घर चलते हैं, कार मैंने पार्क कर दिया, रेडी होते हैं उसके बाद चलते हैं शादी में।
सो गाइज मैं फाइनली रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस जैकेट, हाई नेक, ब्लैक जीन्स और ब्लैक शूज़ पहने जाने के लिए। चलते हैं फटाफट, कार से निकलते हैं पापा के साथ। गाइज ये घड़ी गाड़ी, अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं भाई जल्दी से। गाइस रास्ते में आते हुए मिल गया बहुत भारी ट्रैफिक, क्योंकि कल योगी जी आए थे बरेली में। क्या तगड़ा तगड़ा जाम लग गया भैया। गाइस तगड़े जाम में फंस चुके हैं भाई, बहुत तगड़ा जाम है। गाइस जाम क्लियर करके मैं घर पे आ चुका हूँ फाइनली। हाँ काली, तू सिर्फ मेरी महबूब, मैं तेरी महबूबा। जा रहे अंकल, ठीक है ना? बस अंकल क्या करोगे? गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। ठीक है अंकल, कैसे खोल लो चोरों की तरह भाई। बॉय नहीं खा रहा, उसको ब्रेड नहीं खाने, और मेरे पास ये यार बंद है नहीं, लो उसको नहीं खाने। सो इसी के साथ मैं व्लॉग करता हूँ एंड आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, आई लव यू।